सपोज अगर किसी भी वजह से नॉर्मल हेड कोड नहीं लग रहा है, वैसे नॉर्मल हेड कोड गार्ड साइड से PIS MMI के थ्रू लगाया जाता है, लेकिन अगर वो किसी वजह से काम नहीं कर रहा है तो इस गाड़ी में मैनुअल ओवरराइड बॉक्स प्रोवाइड किया गया है। ये मैनुअल ओवरराइड बॉक्स है, इसमें ESC/REB ये बटन दिख रही है, तो सबसे पहले इसको हम प्रेस करेंगे। जब ये स्विच MOB मोड प्रेस इंटर आ गया तो इसके बाद फिर हम इंटर करेंगे। जब इंटर करेंगे तो ये चर्च गेट दिखा रहा है 9 डब्बे की फास्ट ट्रेन। तो सबसे पहले डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के लिए मुझे ऊपर और नीचे ये दो कर्सर लगे हुए हैं, इनके थ्रू अब चर्च गेट आने के बाद ऊपर वाला कर्सर दबाएंगे तो हमारा काम नहीं करेगा, ये लास्ट डेस्टिनेशन है। इसलिए हमको सपोज बोरीवली सेलेक्ट करना है तो मुझे इस तरह से डाउन में प्रेस करते जाना है जब तक कि बोरीवली आ न जाए। सपोज ये बोरीवली आ गया, उसके बाद अब मुझे जो है ट्रेन की नंबर ऑफ कार एंड स्लो आर फास्ट मोड सेलेक्ट करना है। उसके लिए लेफ्ट और राइट साइड के कर्सर लगे हुए हैं, तो इनके थ्रू सपोज मैंने लेफ्ट साइड का प्रेस किया तो ये अभी ये लास्ट है 9F, उसके बाद अब मैं इधर से मुझे 12 डब्बे की स्लो दिखाना है तो मैं इसको प्रेस करता जाऊंगा, ये 12 डब्बे का फास्ट आ गया और ये 12 डब्बे का स्लो आ गया। जब ये स्लो आ गया उसके बाद मुझे इंटर करना होगा, इंटर करेंगे तो फिर अब मेरा हेडकोड जो है वो मैनुअल मोड में लग गया है। लेकिन अब ये हेडकोड जो हम मैनुअल मोड में लगाएंगे, ये गार्ड और मोटरमैन दोनों अपने अपने कैब का इंडिविजुअली लगाएगा, और डेस्टिनेशन पे उतरते समय मुझे ESC/REB जो बटन है इसको दोबारा बिना प्रेस किए नहीं उतरना है। तो जब मैं इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो वो जो मैनुअल मोड में हमने मैनुअल ओवरराइड किया है वो एस्केप हो जाएगा, गायब होगा, और उसके बाद अगर सपोज MMI नॉर्मल काम करने लगी PIS की तो दोबारा जो है वो गार्ड नेक्स्ट ट्रिप में फिर से हेडकोड लगा सकता है पीछे से।